आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन सी पत्ता गोभी मटर की सब्जी, जो हेल्दी तो है ही पर अगर इस तरह से बनाई जाए ना तो टेस्टी भी हो जाती है। तो शुरू करें। पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर, ये जो पत्ता गोभी है मेरे पास, जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है, तो मैंने ये ले ली है और इसे सबसे पहले हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए इसके मैं यहाँ से दो हिस्से कर रही हूँ, इसके यहाँ से ये इस तरह से दो हिस्से करने के बाद मैं एक जो पार्ट है उसे भी ले लेती हूँ और उसे क्या कहते हैं हम, उसे भी कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये है अब हमारी यूज वाली पत्ता गोभी। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले भी ये जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो हटा लिए हैं। ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और सब्जी जब बनती है हमारी तो ये कुक नहीं होते हैं और इसी वजह से हमें हटा देना चाहिए। और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है उसे भी हटा देना चाहिए, तो मैंने वो भी हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से करके पतली पतली स्ट्राइप्स कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पतली पतली कट कर ली है और इसको अब हम क्या करेंगे, एक के दो हिस्से कर लेंगे। तो ये साइज की मैं पत्ता गोभी कट कर रही हूँ, इसको भी कट कर लेते हैं। तो यूज के लिए अभी मैंने यहाँ पर करीब आप देख सकते हैं 350 से 400 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर ये पत्ता गोभी ले ली है। और ये पत्ता गोभी जो है वो जरूर से ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने बड़े वाला जो बंद गोभी का फूल था वो लिया था। तो अभी मैं इसे हटा देती हूँ और हम ये वाला हिस्सा यूज़ कर लेते हैं। इसे एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ करीब 3-4 पानी से। पर उससे पहले मैं इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए एक बार नमक वाले पानी में भिगो के रखना चाहूँगी, क्योंकि पत्ता गोभी अंदर से पत्ते बंद होते हैं उसके, और उसी वजह से हो सकता है अंदर की तरफ कोई कीड़ा हो, तो हम उसके बिल्कुल चांसेस नहीं लेंगे। इसे एक बार 5-7 मिनट के लिए नमक के पानी में डाल देते हैं, उसके बाद इसे वॉश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया है। अभी आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, इतना गंदा पानी निकला था, सबसे पहले वाला पानी तो बहुत ही गंदा था। तो आइए अब जल्दी से हमारी जो पत्ता गोभी है और मटर की सब्जी है उसे बना लेते हैं हम। तो ये पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और अब उसके अंदर मैं यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसी टाइम पर मैं ये जो जीरा है वो डाल देती हूँ। जीरा भी अच्छे से चटक गया है, तो मैं इस पत्ता गोभी और मटर की सब्जी के अंदर 10 से 12 ये जो मेथी दाना है वो, और उसी के साथ 2 सूखी लाल मिर्च है वो भी डाल रही हूँ। पत्ता गोभी की सब्जी अगर आप मेथी दाना के साथ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये 1/4 टीस्पून जितनी हींग है वो डाल दी है मैंने। उसी के साथ यहाँ पर मैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थी जिसको बारीक कट कर लिया है, और एक बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया था उसे भी बारीक कट कर लिया है। अदरक और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर मैं जो 2 हरी मिर्च है उसे मैंने लंबी लंबी कट कर लिया था वो भी डाल दिए। और अब इसके अंदर बारी आ जाती है ये मटर की। मटर मैंने यहाँ पर 1/2 कप जितने लिए हुए हैं, इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें सौते कर लेंगे। तो मटर को पकते हुए करीब 2 मिनट हो गई है, तो यहाँ पर इसी वक्त मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हल्दी पाउडर है मेरे पास करीब 1 टीस्पून जितना है वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आ जाती है ये जो हमारी पत्ता गोभी हमने कट करी थी और वॉश करी थी उसकी, इसी के साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, ताकि जब ये पकना शुरू हो तो नमक इसके अंदर ही घुल जाए। हल्का हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो पत्ता गोभी को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए एक बार कुक हो जाने देते हैं हम, और ज़रूरत लगे तो बीच बीच में इसे मिक्स भी करेंगे।
तो सब्जी को पकते हुए करीब 3-4 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी अच्छे से कुक भी हो गई है। इसे मैंने बीच में दो एक बार ही ओपन करके हिलाया भी था, मिक्स किया था अच्छे से। तो लास्ट में बस मैं 1 मिनट के लिए और कुक करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये जो टमाटो है वो डाल दिया है, ये ऑप्शनल है पर आप ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, टैंगी सा फ्लेवर, तो सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ज़रूर टमाटो को भी ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और डाल लेते हैं और अब इसे हार्डली 1 मिनट के लिए और कुक हो जाने देते हैं। सब्जी बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो इस वक्त पर मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है और अब मैं इसके अंदर लास्ट में एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ और वो है ये हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेते हैं और आइए जल्दी से इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारी पत्ता गोभी मटर की ये सब्जी। बनाइए इसके साथ पराठे, पूरी, रोटी और कुछ ना समझ में आए ना तो इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया। बनाइए इस पत्ता गोभी मटर की सब्जी को और एंजॉय जरूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।